हमारे झारखंड राज्य खान और खनिजों से संपन्न राज्य है, फिर भी यहाँ के ग्रामीण आदिवासी काम के तलाश में दूसरे राज्य पर पलायन करते हैं और वहाँ पर कई तरह के शोषण का शिकार हो जाते हैं। ठीक इसी तरह की घटना है गुमला जिले के कमरा प्रखंड के टाटी गांव से। भरत साहू और उनके साथ में 11 पुरुष, 2 महिला एवं 4 बच्चे 3 महीना पहले रोजी रोटी के तलाश में मजदूरी करने के लिए गोवा गए थे। आप लोग कई जन गए थे काम करने के लिए गोवा? हम लोग साथ में गए थे, 3 लड़का और मेरा पत्नी और तीजू का पत्नी, और मेरा 2 बच्चा था और तीजू का भी 2 बच्चा। गोवा पहुंचाने के बाद जब काम मिल, जब वो पात्रम था उसके पास पहुंचे, उसी दिन 7 बजे पहुंचे और 7 बजे से ही काम में लग गए। जब शुरुआत में तो बहुत अच्छा ही कर रहा था, लेकिन बाद में उसने बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल दिया हम लोग को। क्या काम करवाया था आप लोग को? हम लोग को गटर में गटर काम करवा रहा था। यहाँ पे कांच था, कचरा था, बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बहुत ज़्यादा गंध आ रहा था, लेकिन वहीं पे नहीं काम करेंगे बोलने से मारपीट करता था, इसलिए करना ही पड़ता था काम। दिन भर काम करते थे बारिश में भींग भींग के, और शाम को 7:30 बजे छुट्टी करता था उधर आए रूम पे तो शाम को दिल्ली मारने शुरू करता था, सुबह शाम। उस समय सबका पैर में घाव हो गया था, जो नाला साफ करने समय जो कचरा सब पैर में पड़ा तो घाव होने लगा, जब पैदल चलने भी नहीं सकते थे, लेकिन वो ज़बरदस्ती काम में ले जाता था। किसी को सिर दर्द कर रहा है, किसी को बुखार आ रहा है, आज काम में नहीं जाएंगे बोलने से बहुत जोर मारपीट करने शुरू किया। सबको मारता पीटता था, मेरे को भी बोलता था, धमकी भी देता था, जो गलत काम किया उसका हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, फाड़ के रख देंगे, ऐसा बोल रहा था। वो बहुत मारपीट करता था ठेकेदार, बोलता था हमारे जेब में सब, पुलिस मेरा जेब में है, ऐसा बोल के रात को लेके आता था 9 बजे 10 बजे रात को पुलिस, और हम लोग को बहुत मारता था, मेरा जेब में है बोलता था पुलिस वाले को। घर में बंधक जैसे बना के रखा हुआ था, और क्या कहेंगे, मैंने घर में बातचीत भी नहीं हो रहा था, वो सब चोरी छिपे के यहीं से हम लोग को बताया कि हम लोग के साथ ऐसे ऐसे मजबूरी है, हम लोग को लेने आओ नहीं तो हम लोग यहीं मर जाएंगे, हम लोग को जाने कभी नहीं देगा करके। मेरा भाई काम करने गया था गोवा, और 15 अगला महीने का 15 तारीख को भी आने वाला था, वो नहीं आया और फ़ोन से बात भी नहीं हुआ 15-20 रोज से। तो कोई चोरी छिपकी करके फ़ोन किया कि यहाँ मालिक बहुत ज़ोर से पीट रहा है सब कोई को, जो घर जाने का नाम करता है उसी को पीटता है करके कोई बताया। मैं एक दिन बोला मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरी माँ भूखे मर रही है, पैसा डाल देना बोले, तो ठीक है नंबर ला बोला, नंबर दिया तो उन्होंने बोला ये नंबर गलत है, और पैसा भी नहीं डाला, और बोलता है मैं कल फ़ोन में बात करवाऊँगा, लेकिन फ़ोन में भी बात नहीं करवाता था, बहुत मुश्किल था, सबका मोबाइल था, मोबाइल भी अपना ले लिया सबसे मांग के, जिसका वोटर आईडी कार्ड था उसको भी मांग के ले लिया। मालिक के पास फोन लगवाए तो मालिक बोला कि तुम्हारा भाई सब पुलिस का अथी जेल में है, से गांव से आओ और पुलिस से बात करके रिहा करा के ले जाओ बोला मालिक। उस टाइम हम वो सुने और शांति के पास घर गए और ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट करके और उसको ले गई। मैं 3 लड़की मिल के उसका घर गए, मालिक का घर, तो हम लोग को पूरा ज़ोर से डांटने लगा कि तुम लोग क्यों आई हो और मेरा घर कौन दिखाया, ऐसा डांटा हम लोग को तीनों को, और हम लोग का सामने बहुत ज़ोर से पीटा, और हम बोले कि भैया उतना तेज़ दिमाग से मत बोलिए, थोड़ा ठंडा दिमाग से सब कोई को समझाइए, गलती किया है तो गलती स्वीकार करेगा ये सब, पर वो नहीं माना और बहुत ज़ोर से पीटने लगा, मुँह से खून निकलने लगा सब कोई को, और उतना पीट के और तुरंत सब कोई को काम करने के लिए ले गया। पर हम लोग नहीं डरे और शांति अपने उधर बाहर
अपना एनजीओ का थी आदमी सबको बुलाई और उधर लिखा पढ़ा करके और एप्लीकेशन डीसी के पास हम लोग पहुँचाने सब कोई मिल के गए और वहाँ से डीसी साइन करके और डीसी हम लोग को डीएसपी के पास भेजा। वीडियो वॉलेंटियर्स की ओर से तानिया से वे और पुरानी सीसी और एनजीओ से किप्टन जो से ए आए मड़गाव गेलते ना अनेक अनेक दोन तीन एनजीओ आले तो सो त्या म्हणसर ते मी एक ह्यूमन राइट्स वन ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गोवा ताक कॉन्टैक्ट करून तांटांक एडवाइस दिले की दिस इशू कम्स अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आणि दे शूड कंप्लेन मेक अ रिटर्न कंप्लेन टू द कलेक्टर आणि त्याने कॉन्ट्रॅक्टराक स्ट्रेट ऑर्डर दिली की यू हॅव नो राईट टू होल्ड डॅम यू तेंगे किती सॅलरी हा ती तू घेऊन काढ आणि त्यांना वाच दी। साउथ गोवा के डीसी एनडी अग्रवाल के पास शिकायत दर्ज किया गया तो तुरंत कार्रवाई हुआ। सो तेंगेला आमगेले एडमिनिस्ट्रेशन आहा त्या हाली ऑफिसान बसोन काम चोडा म्हणून कोता बट तेमी सायटीचेर वसोन चोवपा जाय कित्याक लेबर आहाय ते कितकोन साफर जाताय ते हेंगे कितें जालां म्हाका दिसता हे सिस्टम चल्ला त्या प्रमाणे चडशे कॉन्ट्रॅक्टरांक कॉन्ट्रॅक्टर ऑफिसरांक ब्रायब कोताय तेका लागून एशें कोन्न जाता ना जाल्यार ते ड्युटी कोताले सारके जितना 22,000 हिसाब से हम लोग के हिसाब से 8,630 रुपये का हिसाब दिया उसमें से भी काट लिया 1,000 रुपये काट रहा हूँ बोला और हज़ार काट लिया। और ओटी किए थे रात में तो उसका भी पैसा मिला? नहीं जब ओटी करते थे तो ओटी का पैसा भी नहीं दिया जब नाइट करो डबल हाजिरी देंगे बोलता था उसको भी नहीं दिया और 1,000 रुपया अलग से और फिर काट लिया। क्यों कटा ये पता है आपको? पता नहीं है। उसके बाद जो दीदी लोग इंजॉय वाली दीदी लोग थी वो लोग हम लोग को पूरा साथ दिए और पैसा मिला। उसके बाद हम लोग जब बस में चढ़े तो हम लोग को देखने लगा किस रूट से जा रहा है उसको फिर हम लोग को जहाँ उतरना था वहाँ नहीं उतरे बीच रास्ते में उतर गए और जंगल में हम लोग रात भर किसी तरह बिताए। उसके बाद हम लोग को जिस रूट आना था ट्रेन में चढ़ के उस रूट नहीं आके हम लोग बम्बे के रूट से आए और किसी तरह घर पहुँचे और अभी खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। आप जब ठेकेदार के यहाँ आप रह रहे थे और इतना सब परेशानी हो रहा था तो आपको कैसे लग रहा था? उस ठेकेदार के पास हम लोग काम कर रहे थे उस समय हमको जेल में ही रहना अच्छा लगता था लेकिन उसके गुलामी में हम लोग को रहना अच्छा नहीं लग रहा था। ये ठेकेदार के ऊपर जरूर कार्रवाई किया जाना चाहिए क्योंकि हम लोग गरीब को बहुत सताया है उसने इसलिए इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पहले भी कोई ग्रुप को इस तरह सताया था? हाँ अगल बगल वाले लोग बोल रहे थे कि कर्नाटक वाले 6-6 ग्रुप को इसने ऐसे ही काम करवा के लास्ट मारपीट करके भगा दिया उसी तरह हम लोग को भी ये इसी तरह करना चाहता था। इस कंप्लेन को साउथ गोवा के डीसी श्री एनडी अग्रवाल को दिया गया है और मैं चाहती हूँ कि झारखंड के लेबर कमिश्नर आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल इस कंप्लेन पर कार्रवाई करें ताकि इन मजदूरों को न्याय मिले। अतः आप सभी वीडियो देखने वालों से अनुरोध है कि आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल को 06512481013 पर कॉल कर दबाव बनाएं। मैं शांति कुमारी बड़ाए गुमला जिला झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।